गाइस भीड़ चेक करिए आप लोग सूरत रेलवे स्टेशन पे। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल SR News। तो गाइज कैसे हो आप सब? होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ट्रेन जर्नी। जैसा कि टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, इस बार हमारी जर्नी होने वाली है सूरत टू प्रयागराज जंक्शन तक की। इससे पहले भी मैंने वहाँ तक जर्नी की है, बट इससे पहले मैंने जर्नी की थी श्रमिक एक्सप्रेस में, जो कि वलसाड़ से बनती है और इलाहाबाद छिंकी तक जाती है। और दूसरी मैंने जर्नी की थी, जो कि ट्रेन 12 घंटे लेट हुई थी, यहीं से सूरत से की थी, और वो भी छिंकी तक ही की थी, और वो ट्रेन था हमारा महामन एक्सप्रेस। तो आज की हमारी जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली 22967 ट्रेन नंबर, जो कि अहमदाबाद से बनती है और प्रयागराज जंक्शन तक की जाती है। तो आज हम लोग इसी ट्रेन में सफ़र करेंगे और हमारी इस ट्रेन को हम बोर्ड करेंगे सूरत रेलवे स्टेशन से। सूरत रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखाई देता है। अभी मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 के ऊपर। ये जो सामने नीचे दिखाई दे रहा है, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4, और वहाँ पे बाकी के 3 प्लेटफॉर्म उधर हैं। गाइस भीड़ चेक करिए आप लोग सूरत रेलवे स्टेशन पे। गाइस फाइनली अपनी ट्रेन आने वाली है, और यहाँ पे पब्लिक देखो, जैसे ही कोच का नंबर लिखा किसका कोच कहाँ पे आएगा, तो पब्लिक सब इधर से उधर होने लगी, जैसा कि आप देख सकते हो। फाइनली अपनी अहमदाबाद इलाहाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 5 मिनट के देरी से सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है। अब हम वेट करेंगे अपने कोच का, B4, मेरा B6 है, साथ में फैमिली भी है, तो उन लोग का B4 है और मेरा B6 है। फाइनली अब स्टेशन थोड़ा खाली हो चुका है, क्योंकि जो भी जितनी भी पब्लिक थी सब इस ट्रेन में चढ़ चुकी है। तो फाइनली हमारी जर्नी को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रेन भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलते हैं अंदर। फाइनली अपनी ट्रेन सूरत रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है 8:05। तो सूरत से निकलने के बाद ये है हमारा पहला स्टॉप नंदुरबार, जहाँ पे ट्रेन पूरे 25 मिनट बिफोर पहुँची है। यानी कि यहाँ पे इसका टाइम था 10:45, 11:15, लेकिन ट्रेन पहुँची है 10:20 पे। खाने पीने की चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी नंदुरबार पे, और यहाँ पे कोई मेमो खड़ी है, जो कि शायद इसका लास्ट स्टॉप होगा। और इस बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पूरी फैमिली के साथ। मैंने पिछली बार भी जब ट्रैवल किया था, जब मैंने वलसाड़ से ट्रेन पकड़ी थी श्रमिक एक्सप्रेस, तो उस टाइम पे भी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था, और इस बार भी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन इस बार टिकट हम लोग का अलग आ गया है, फैमिली का B4 में आया और मेरा सिंगल टिकट आया B6 में। दूसरी साइड कुछ ऐसा लगता है नंदुरबार का रेलवे स्टेशन। फाइनली आधे घंटे के स्टॉप के बाद अब हमारी ट्रेन को सिग्नल दे दिया गया है। अब ये ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए बिल्कुल रेडी है।
तो नंदुरबार से निकलने के बाद हमारा अगला स्टॉप रहेगा अमन लेन, जो कि रात को 12 बजे आएगा। तो वहाँ तक जागना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ये रहेगा हमारा नाइट का आज का लास्ट स्टॉप रहेगा ये नंदुरबार। और मैं मिलूँगा सीधा फिर आप लोगों को मॉर्निंग में। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी है नंदुरबार के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अब मैं चलता हूँ सीधा सोने और मिलूंगा आप लोगों को सीधा मॉर्निंग में। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज चुके हैं 9 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अब नरसिंहपुर। और ट्रेन इटारसी तक बिल्कुल राइट टाइम पे चल रही थी, बट यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ट्रेन ने टोटल 50 मिनट लेट कर दिया है। तो ये है नरसिंहपुर का प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ पे हमारी ट्रेन को रोका गया है। सोचा था आप लोगों को इटारसी जंक्शन भी दिखाऊंगा, लेकिन वहाँ ट्रेन हमारी सुबह 6 बजे पहुँची थी, तो वहाँ पे आँख खुली नहीं, इसलिए अभी ये नरसिंहपुर। अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टॉप होगा वो होगा जबलपुर। चलिए ट्रेन को सिग्नल भी मिल चुका है, चलते ट्रेन में और मिलेंगे सीधा हम लोग अब जबलपुर में। पूरे 30 मिनट की देरी से अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में, यानी कि जबलपुर जंक्शन पे। तो ये है जबलपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, क्योंकि सामने ट्रेन लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6। खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आप लोगों को। फाइनली मैंने ये नाश्ता लिया है, चलते हैं सीट पे और वहीं पे खाता हूँ। Thank you.
जब मौका मिल जाए जहाँ का। आधे घंटे की देरी से अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है कटनी जंक्शन। यहाँ पे इसके पहुंचने का टाइम था 10:55 पे, लेकिन ट्रेन पहुंची है 11:28 पे। पूरा आधे घंटे लेट पहुंची है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही है फिलहाल। तो हमारी ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रोका गया और उसके सामने की साइड आप लोग देख सकते हो यह है प्लेटफॉर्म नंबर 3। पूरे 32 की देरी से अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मैहर और इसके बाद हमारा 2 स्टॉप और रहेगा, सतना रहेगा माणिकपुर और उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा प्रयागराज जंक्शन। बस 1 के स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन को सिग्नल भी दे दिया। ये आपने स्पेशली ब्लॉग बनाने के लिए है ना, तो आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं सब। पूरे 25 की देरी से अब हमारी ट्रेन पहुंच चुके हैं सतना जंक्शन पे, जो कि हमारा लास्ट 3rd स्टॉप है। अब इसके बाद हमारा 1 स्टॉप और रहेगा माणिकपुर जंक्शन और उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप रहेगा प्रयागराज जंक्शन। तो ये है सतना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी ट्रेन को लगाया गया है। Thank you.
फाइनली अपनी ट्रेन अब पहुंच चुकी है इसके लास्ट सेकेंड स्टॉप यानी कि माणिकपुर जंक्शन पे। अब इसके बाद जो हमारा आखिरी स्टॉप होगा वो होगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जंक्शन। ट्रेन अभी तक आधा घंटा लेट चल रही थी बट माणिकपुर तक ये बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंची है। अब देखते हैं राइट टाइम पे इलाहाबाद पहुंचाती है कि नहीं। जो कि होगा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जंक्शन। ये ट्रेन माणिकपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल चुकी है। गाइस बस 30-35 किलोमीटर की जर्नी हमारी बाकी है बट ट्रेन यहाँ पे इतना स्टॉप ले रही है पहुँचने के लिए क्योंकि इलाहाबाद जंक्शन यानी कि प्रयागराज जंक्शन काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है तो थोड़ा टाइम तो लेगी ही। अब देखते हैं हम लोग को राइट टाइम पे पहुँचाती है या लेट करती है। सो ये है शंकरगढ़ का एरिया, आउटर में ट्रेन को लगाया गया है। तो ये है शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है बट सिग्नल ना मिलने की वजह से इधर स्टॉप ले लिया है ट्रेन ने। राइट टाइम पे ट्रेन चलते चलते पूरा 1.25 घंटा लेट हो चुका है। अब देखो जंक्शन पे कितने बजे पहुँचाती है हम लोग को। फिलहाल शंकरगढ़ रेलवे स्टेशन से निकलते हुए तो 5 मिनट तक अभी यही घूमेगा।
चमक पड़ा। तो ये है प्रयागराज जंक्शन, जिसे पहले इलाहाबाद जंक्शन के नाम से जाना जाता था, और यहाँ पे अपनी ये ट्रेन लगी है। फाइनली पूरे 1.5 घंटे अपनी ट्रेन लेट होने के बाद पहुंच चुके इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज जंक्शन। सो दैट्स ऑल गाइस, ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, अब यहीं से एग्ज़िट लेंगे और चलेंगे अपनी गाड़ी की तरफ और निकलेंगे घर के लिए। तो ये है इलाहाबाद जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6।